मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पार्टी फिल्टर में। तो दोस्तों, आज है शादी वाला दिन और आज होगी हल्दी और शादी। तो अभी सुबह सुबह बज रहे हैं 6 और मैं नीचे हूँ क्योंकि यहाँ पे सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं। देखो, मैं गाड़ियाँ हटवा रहा हूँ, धीरे धीरे गाड़ियाँ हट रही हैं। यहाँ पे लगेगा टेंट और टेंट लगने के बाद यहाँ पे की जाएगी हल्दी। तो देखो दोस्तों कैसी होती है हमारी हल्दी सेरेमनी। देखो, एक एक गाड़ी करके हट रही है और अभी टेंट वाला आने वाला है। टेंट लगाएंगे, चाय पकौड़ी होगी यहाँ पे सुबह के टाइम पे नाश्ते में और करेंगे यहाँ पे हल्दी का फंक्शन। तो दोस्तों बने रहिए और दिखाएंगे आपको हमारा हल्दी का फंक्शन कैसा होता है। तो दोस्तों टेंट लगना शुरू हो गया है, हमने गाड़ियाँ सारी हटवा दी हैं। आपको मैं शक्ल से फ्रेश लग रहा हूँ पर फ्रेश बिल्कुल नहीं हूँ, बहुत बुरी हालत हो रही है। कल मैं ऑलमोस्ट 3 बजे सोया था और 5:30 बजे उठ गया हूँ जस्ट बिकॉज की टेंट लगना है, सब पूरा कोऑर्डिनेशन करना है। तो आप बहुत हालत ख़राब हो रखी है और आज भी बहुत हालत ख़राब होने वाली है क्योंकि बहुत सारा काम है, हल्दी है। देन हल्दी ख़त्म होते होते 12 बज जाएंगे। 12 बजने के बाद फिर देखना है तैयारी क्या क्या करनी है, क्या नहीं करनी है। देन फिर बारात का टाइम हो जाएगा, तो बहुत सारा काम है दोस्तों। तो दोस्तों दिसंबर का महीना है, ठंड काफ़ी बढ़ गई है, तो इस केस में सबसे बढ़िया चीज़ होती है चाय। इसलिए मैं चाय के लिए ले जा रहा हूँ दूध। और अभी दिखाते हैं, काफ़ी लोग जग गए हैं, सब सो रखे थे जब मैं उठा था तो, और जब मैंने काम कराना शुरू किया टेंट का तब काफ़ी लोग जग गए। अभी चलते हैं ऊपर, आपको दिखाते हैं कौन कौन जग गया है, कौन कौन सो रहा है, कौन कौन बिस्तर में है, कौन कौन चाय पी रहा है, कौन कौन काम कर रहा है। देखिए कौन कौन जाग गया, कौन कौन सो रहा है। यस, ये रहा आपका, ये कौन है? ये चाय का प्रोग्राम चल रहा है यहाँ पे, नींदपुरी हमारे वहाँ पंडित सुबह सुबह तैयार हो गए, टोटल मार रहे तो देखो फूल उग गया है आज, लाल वाला और पीला वाला भी। जब मैं लाया था सिर्फ एक पीला वाला फूल ही था और अब दोनों दो फूल और रुक गए। और यहाँ पे भी आपको दिखाता हूँ मैं हमारी बागवानी। देखिए यहाँ पे भी आज एक पीला फूल उग गया है, यहाँ पर सिर्फ लाली था। इट्स लुकिंग रियली ब्यूटीफुल। तो दोस्तों तैयार हो चुके हैं हल्दी के लिए, लग रही है ना लगी खूबसूरत पायन लड़की हमारी, इसीलिए हमारे चैनल का नाम है पार्टी फिल्टर। तो दोस्तों ऑलमोस्ट तैयार हो चुके हैं, धीरे धीरे तैयार हो रहे हैं। मौसी भी देखो यहाँ तैयार एक्चुअली सर्दियों में टाइम है। अब यहाँ से नीचे जाएंगे अब तैयार होके और फिर दिखाएंगे आपको हल्दी के मस्त मस्त दृश्य पहाड़ी अंदर। दोस्तों मौसम बहुत चालू हो गए हैं, आपको दिखाता हूँ मैं। हो गए तैयार, दूल्हा भी है तैयार। ओए दूल्हे, सब तैयार हो गए। तैयार नहीं हुए तो मत बता, और दिखाता हूँ मैं, और भी सारे तैयार हो चुके हैं। ये सब तैयार हो गए, सब तैयार हो गए। मम्मी तैयार हो रही है, ये मेकअप चल रहा है, ये चाचे भी तैयार हो गए हैं। ये अफगान भी तैयार है और काना भी तैयार है। दो मेहमान और आए लेट, दो मेहमान और आए लेट, ऑलवेज लेट, ऑलवेज लेट। दोस्तों यहाँ चल रही है हल्दी से पहले पूजा, ये पूजा खत्म होती है हम हल्दी के लिए नीचे जाएंगे और आप भी लीजिए पूजा का आनंद। का सा पुंडरी का सा प्राण पुंडरी का सा प्राण रूप श्री महाराज।
हरि ओम माँ ससाई ससिराइन्द्रो भेद सर्वा ससिना तो दोस्तों पूजा हो गई है और अब देखो सुहागिन सामान उठा रही है। सिर मेरा हां सर दोनों हां सर बस ये तो ले जाओ देखो अरे सर दो बना दो गद्दी बना दो नहीं उठा चुपेगा वो सर पे कर लूंगा पकड़ लूंगा भाई को सामने देखो ओए पंडित जी करो एक रुमाल नहीं इतने मोटा कर दे रहे हां मेरा मोबाइल एक छोटा दो और दोस्तों ये आया व्लॉगर भागता हुआ कोई भी क्लिप मिस नहीं होनी चाहिए। नेपाल बॉर्डर से है तो दोस्तों यहाँ पे सुहागिन हमारे यहाँ पे जो हल्दी पूरे जो हल्दी पूरे मैं पंडित जी दे रहे हैं बाने समय Thank you.
और दोस्तों यहाँ शुरू हो गया है हमारा डांस, और भाई साहब धमाल मचा दिया हम लोगों ने नाच नाच के भाई साहब। वीडियो चल रही है।
तो दोस्तों इस पूजा के बाद सोनू भिक्षा मांगेगा। गाँव में तो होता है कि भिक्षा घर घर जाके मांगी जाती है गाँव में, बट एज इन शहरों में आपको बताया है कि हम द्वार पे खड़े होते हैं और द्वारों पे खड़े होके सभी के घर के भिक्षा देते हैं। तो दोस्तों एकदम भसड़ एकदम भजब खतरनाक तरीके से टाइम क्रंच होने के बाद हमारी हल्दी खत्म हुई है और पूजा वूजा खत्म होके भिक्षा विक्षा लेके अब मैं सुमन को भिक्षा दिला के सोनू को सुमन को लेके जा रहा हूँ पार्लर। ऐसा बिल्कुल ऐसा टाइम ऐसा क्रंच है, बैक टू बैक चीज़ें करनी पड़ रही है। अभी फटाफट सुमन को छोड़ने जाऊँगा, उसके बाद मुझे जाना है गाड़ी को सजाने देने के लिए। उसने भी मुझसे एक घंटा मांगा है और सुमन के लिए गजरा लेना है। तो दोस्तों फाइनली सुमन को मैंने छोड़ दिया पार्लर पे और मैं निकल रहा हूँ गाड़ी सजाने के लिए। उसमें भी मुझे एक घंटा लगेगा कम से कम, तो फटाफट जाते हैं गाड़ी सजाते हैं और सुंदर सी गाड़ी बनाते हैं। फिर उसके बाद हमारी बीवी धर्मपत्नी भी सज जाएगी, हमारी गाड़ी भी सज जाएगी और फिर हम बारात के लिए तैयार होंगे। मैं भी तैयार होंगे क्योंकि सुमन तो पार्लर से तैयार हो जाएगी, मुझे घर पर तैयार होना है। तो रात को दोस्तों चलते हैं आपको लेके गाड़ी सजाने के लिए। तो दोस्तों आ गया हूँ मैं फूल वाले के यहाँ, पीछे फूल वाला है जिससे मैंने डेकोरेशन का ऑर्डर दिया है। भाई हमारी गाड़ी को सजाएंगे थोड़ी देर में और हमारी मालाएं भी तैयार हो गई हैं, 40 माला का ऑर्डर दिया था। अभी फटाफट सजा के चलते हैं। गाड़ी का अभी बिफोर हाल ये है, अभी आपको आफ्टर भी दिखाएंगे, अभी सच हो जाएगी टकाटक एकदम। दोस्तों हमारी गाड़ी में फूल लगने का कार्यक्रम चालू हो गया, आप देख रहे हो भैया ने कुछ सॉफ्ट से स्पॉन्जी लगाए हैं, स्पॉन्जेस हैं, बहुत सॉफ्ट है, पता नहीं कुछ हार्ड है, थोड़ा स्पॉन्ज है, आई डोंट नो व्हाट इट इज़, पर इसमें फूलों की जो डंडियाँ हैं वो अच्छे से बैठ जाती हैं, इसीलिए इनको लगाया जा रहा है। एक एस शेप बनाएंगे, देखते हैं कैसे निकल के आती है, थोड़ी देर वेट करते हैं एंड लेट्स सी बिफोर एंड आफ्टर। सो यहाँ दो भाई मिले मुझे जो अपनी गाड़ी सजाना है और छोटी मोटी गाड़ी में इनके भी दोस्त की शादी है, अब गाड़ी सज के इनकी भी जाएगी और थोड़ी देर में हमारी गाड़ी भी सज जाएगी। काफ़ी गाड़ी आ रही है सजने के लिए, चार पाँच गाड़ियाँ जा चुकी हैं और दो गाड़ियाँ हमारी भी खड़ी हैं और आ रही है। तो लिटिल बिट मोर इम्प्रूव्ड वर्जन, अभी और फूल लग रहे हैं। भाई को ऊपर ही बिठा रखा था, तब से वो ऊपर ही बैठा है, वो लगा के नीचे आएगा। थोड़ा सा इम्प्रूव वर्जन, गुलाब के फूल भी लग गए। तो दोस्तों फाइनली गाड़ी हमारी तैयार हो गई, दिखाते हैं आपको। भाई आखिरी टचअप दे रहे हैं, उसमें हल्का सा पानी छिड़क रहे हैं जिससे फूल और भी मॉइस्ट लगेंगे और अच्छे से इम्प्रूव आएगी, और थोड़ी सफाई कर रहे हैं गाड़ी की। अब बस आपको दिखाते हैं गाड़ी लग कैसे रही है। दोस्तों गाड़ी सज गई है और हमने 40 मालाएं भी कराई थी, तो वो थैलियाँ पैक हो रही हैं मिलने के लिए और गाड़ी हमारी ये हो गई है सज के तैयार। चलते हैं फटाफट, सुमन को उठाते हैं और फिर निकलते हैं घर, हमें भी तैयार होना है। नहीं अच्छा रखा
इन्होंने मेकअप किया है सुमन का। हेलो ब्लॉगर है। ओह माय गॉड सीरियसली। या सो आपको लोगों पहचान में तो नहीं आ रही होगी वैसे। तुम्हें आ रहे हो पहचान में अपने आप को? आपको ब्राइट दिखाता हूँ मैं, छोड़ो नहीं दिखाता। ब्राइट दिखाएंगे बाद में। तो क्या लगे फूल? बस तो जस्ट दोस्तों फ्लास रह गए, रोज लगाएंगे बालों में और बस दैट विल बी ओवर। तो दोस्तों सुमन हो चुके तैयार और मैं उसको ले आया हूँ पार्लर से। तो आप देखिए कैसी लग रही है सुमन, और कमेंट करके जरूर बताइए कि सुमन का मेकअप कैसा हुआ है। दोस्तों हम बताएंगे हमने कहाँ से कराया है। यस तो हमारी डेस्टिनेशन आ गई, मैं ही फटाफट तैयार होता हूँ और दूल्हे को भी तैयार करना है। घोड़ी आ चुकी है, ढोला आ चुका है। लेट्स पार्क द कार।